हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मरिंदर सिंह सिद्धू। देखिए आज की क्लास का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोज? सी, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देने से उसका ट्रांसपोज मिल जाता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 7, 2, -1, 0, 0, 9, आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर है 2/3, देन इसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसे हम ए टी या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कैसे मिलेगा आपको? इसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है, यानी कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी लाइक दिस, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगी। तो अगर आप रोज को कॉलम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कॉलम्स है वो रो बन चुके होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और क्या चीज जो चेंज हुई है वो ये कि पहले इसका ऑर्डर 2/3 था तो अब इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। नाउ देर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। The first property is A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. Second one is A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose. Third one is K into A ka transpose. Now what is K? K is actually a scalar. Ab scalar kya hota hai? Dekhiye matrices ke pure world mein कोई भी ऐसी टर्म जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर नहीं है, उस टर्म को हम बोलते हैं स्केलर। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ये हमारे सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स के बाहर मैं 5 लगा दूं, अब ये जो 5 है वो एक स्केलर बन गया, राइट? तो किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी। एंड नेक्स्ट वन इज A इंटू बी ट्रांसपोज। नाउ जब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट गिवन होगा तो उसका ट्रांसपोज करने पे इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इस लॉ को हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये वेरीफाई करके दिखाता हूं। लेट अस मूव टू दैट। आपके सामने एक मैट्रिक्स है और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है, और आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर लेता हूं, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन आप सब लोगों ने पहले से सीख रखी होगी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सीखी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में जाइए जिसमें मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन किया गया है, उसमें बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी करवाए थे मैंने। तो देखिए किस तरह से होते हैं। तो आप जानते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के सिर्फ रोज का यूज करना होता है और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स का। तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा -4 और इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ये बनेगा 2+36। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये आएगा -12+0। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ये बनेगा 6+0। तो यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई है -4, 38, -12 और 6। सो दैट मींस अगर मुझे ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो यानी कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है जो अभी हमने फाइंड किया है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड रो है वो बन जाएगी सेकंड कॉलम। तो ये हमने ए बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अब मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी फाइंड करूंगा और वो इसके इक्वल आ जाएगा।
लेट सी। और इसके बाद मैं कंसिडर कर रहा हूं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नाउ बी ट्रांसपोज यानी मैं पहले बी को लिखूंगा और उसका ट्रांसपोज करूंगा, एंड उसके बाद मैं ए को लिखूंगा और उसका भी ट्रांसपोज करूंगा। तो ये बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज करने पे जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, और ऐसे ही यहां पे ये हमने दोनों का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं अगेन फॉलोइंग द सेम रूल, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकेंड के कॉलम यूज करूंगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये बनेगा -4 + 0। देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, ये बनेगा -12 + 0। देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये बनेगा 2 + 36। देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, ये बनेगा 6 + 0। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड की हमने, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, -4 - 12 - 38 and 6। अब आप देख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की आई है, यानी कि क्लियरली हम देख सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, राइट। तो ये रिवर्सल लॉ हमने प्रूव कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो भी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज आपको लिखवाई थी उन्हीं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ ए एंड बी आर गिवन बाय ए इज इक्वल टू 2, 4, 6 - 8, 3, 2 एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 - 1, 5, 0, 9, अब पार्डन, देन फाइंड 2a + b होल ट्रांसपोज। नाउ यहां पे 2a + b होल ट्रांसपोज फाइंड करने को कहा गया हमें। यहां पे मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज का यूज करूंगा, जब भी दो मैट्रिसेस का का सम दिया होता है और उसका होल ट्रांसपोज करना हो तो ये बन जाता है ये। अब इसके बाद 2 जो है वो एक स्केलर है, तो स्केलर वाली भी एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, तो स्केलर को छोड़ देंगे और ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, साथ में बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू ये आ गई है। अब मैं इन दोनों की वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, किस तरह से करेंगे देखिए। तो सबसे पहले मेरे पास 2 है, 2 के बाद मुझे ए का ट्रांसपोज चाहिए, देखिए ये रहा ए। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज पुट करता हूं तो जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम और जो सेकेंड रो है वो बन जाएगी सेकेंड कॉलम। तो ये आ गया 2a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, तो ये है 6 - 1, 0, 9, - 3 and 4। अब मैं सबसे पहले स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्केलर जो होता है वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 to the 4, 2 into - 8 विल बी -16, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 6 the 12 एंड 2 2 the 4, और इसको एज इट इज रहने देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 4 + 6 विल बी 10, -16 - 1 विल बी -17, 8 + 0 विल बी 8, 6 + 9 विल बी 15, 12 + -3 विल बी 9 एंड 4 + 4 विल बी 8। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a + b होल ट्रांसपोज। आपको आई होप ये ट्रांसपोज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखते रहिए और साथ में कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।